आज के जमाने में शायद बाबाओं के वीडियोस भी बनाना संभव होगा, लेकिन जब भी कोई बाबा को एक्सपोज करते जाते समय अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर कोई अलग ढंग का रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उनके ध्यान में आएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो एक्सपोजर एक्सपोजर नहीं बचता है, मारपीट हो जाती है। लेकिन ये राधे माँ नाम की जो देवी थी, उसका जो एजेंट था वो नागपुर में आया था। हमारे बाबूजी उमेश चौबे हैं, मेरे संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष थे, अभी इस दुनिया में अभी नहीं है, बहुत बड़े पत्रकार भी है नागपुर के। तो अनायास से मैं नागपुर में किसी काम से गया था तो उन्होंने मुझे इनका इंटरव्यू लेने के लिए बाध्य किया था, ये राधे माँ का जो एजेंट है उसका। तो वो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए लेकिन उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। रामकृष्ण वर्मा, इनका सवाल है कि आप जो सम्मोहन की बात करते हो, आपने इतने लोगों को सम्मोहन सिखाया, लेकिन जो आप सम्मोहन के स्टेज प्रोग्राम की बात करते हो तो क्या उसके कोई वीडियो उपलब्ध है जो हमें देखने को मिलेंगे, या फिर बाबाओं को एक्सपोज किए हैं उसके कोई वीडियोज उपलब्ध है जो हमें देखने को मिलेंगे? बाबाओं को एक्सपोज करते समय के कोई वीडियोज होना तो संभव नहीं। हम वीडियो लेकर गए कि बाबा एक्सपोज होने की गुंजाइश बहुत कम, यानी ये पहली गलती हो गई। हाँ, फिर स्टिंग ऑपरेशन जैसा छुपकर ऑपरेशन करना है तो उसमें काफी दिक्कतें आती, लेकिन बाबाओं के एक्सपोजर्स के काफी ऑडियो कैसेट्स मैंने पहले बनाए थे जो अभी इतने पुराने हैं कि वो बचना संभव नहीं है। बहुत लेंदी होते हैं, धीरे धीरे उनको फंसाना होता है, आम लोग उसमें बहुत इंटरेस्ट लेने की संभावना नहीं होती है। कार्यकर्ताओं के लिए शुरुआत में वो सुनाए जाते थे, वो भी ठीक ढंग से सुन नहीं पाते थे। 1 घंटे का समय निकालो, तब उसमें से कोई मुद्दे उठाओ, इसके लिए बहुत बहुत मेहनत लगती है और इसके पेशेंस बहुत कम लोगों में होते हैं। रहा सवाल सम्मोहन के वीडियोस, आज के जमाने में शायद बाबाओं के वीडियोस भी बनाना संभव होगा, लेकिन जब भी कोई बाबा को एक्सपोज करते जाते समय अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर कोई अलग ढंग का रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उनके ध्यान में आएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो एक्सपोजर एक्सपोजर नहीं बचता है, मारपीट हो जाती है। तो ये भी उसमें बात है, इसलिए वो कठिन बात है। सम्मोहन का तो संभव है, सम्मोहन का एक सुंदर वीडियो बना था हमारा लोनावाला का, उसका काफी मैंने काफी लोगों को वीडियो बताया भी था, फिर मैंने आपको कारण भी बताया। जिंदा इंसान होते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा ये वीडियो लोगों को बताया जाए, फिर भी मैं स्टूडेंट्स के लिए उसका उपयोग करता था, खास कर जो सी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, लेकिन वो भी अभी गायब हो गया। वो ऐसी अवस्था में नहीं रहा, और उस जमाने में मेरे पास इतने पैसे भी नहीं रहते थे कि जिसको ठीक ढंग से अपग्रेड करके रखे, लेकिन हर सी कोर्स में वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है। सी कोर्स के पार्ट सेकंड में जब ये होता है, स्टेज प्रोग्राम होता है, ये स्टेज प्रोग्राम कहना उसके लिए गलत बात है, मैं केवल कहूंगा कि जितने फेनोमेनाज मैं सिखाता हूं कि सम्मोहन अवस्था के डीप अवस्था में ये फेनोमेना घटित होता है, केवल वो अलग अलग फेनोमेना कैसे घटित होते हैं लोगों के समझ में आए, इसलिए जो प्रयोग होता है 3 साढ़े 3 घंटे तक का ये चलता है, उसके रिकॉर्डिंग्स है, लेकिन वो सी कोर्स के लोग बताना अलाउ नहीं करते, दूसरों को बताना अलाउ नहीं करते। अभी जो आखिरी का अच्छे ढंग से हमने प्रोफेशनली जरा रिकॉर्ड करने का तय किया था, मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा था, मेरे मित्र और मेरे संगठन के सहकारी प्रशांत सपाटे, उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया, वो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग हमारी यंत्रणा में गायब हो गए, इधर से उधर जाने की प्रक्रिया में। और दूसरा सोनी के एक छोटे कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे थे, वो एडिशनल कैमरा था,
तो ऐसे हमारे एक कार्यकर्ता के हाथ में दिया था कि उसको ठीक ढंग से रिकॉर्डिंग करना उसको आता ही नहीं। वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ये 2008 में जो नागपुर का कोर्स हुआ था उसका रिकॉर्डिंग है, 2012 सॉरी 8 नहीं 12 का, तो उसका रिकॉर्डिंग है। तो ठीक है, सी कोर्स में वो रिकॉर्डिंग बताने की कोशिश करेंगे लेकिन क्वालिटी बहुत पुअर है, लेकिन फेनोमेना आपके समझ में आता है, बीच बीच में कट हुआ है, कैमरा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो जो प्रोफेशनल तरीके से जो रिकॉर्डिंग हुआ था अच्छे ढंग से, वो रिकॉर्डिंग गायब है। बोर्ड ढूंढने की कोशिश चल रही लेकिन मिल नहीं रहा, इधर से उधर जाने की प्रक्रिया में गायब हो गया। मेरे दिमाग में था कि इसका डिलीबरेट एक रिकॉर्डिंग किया जाए, जब अभी समय मिलेगा तो ये हो सकता है। एक साधारणता 11वीं 10वीं के एज ग्रुप को लेकर अगर करे ये प्रयोग तो सब फेनोमेना बहुत अच्छे ढंग से बताए जा सकते हैं। वो मेरे दिमाग में काफी दिनों से है, करेंगे। अभी अपना जो सी कोर्स का पार्ट सेकंड होगा उसमें भी ये किया जाएगा, प्रयोग होगा, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उन्हीं पर होगा, उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। लेकिन दिक्कत ऐसी है कि बाहर बताना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता कि मुझे सब्जेक्ट कर कर इस ढंग से बताया जा रहा है। ये थोड़ी दिक्कत है इस विषय की। ये स्कूल के बच्चों का मैं जो बात कर रहा हूँ, 11वीं 10वीं बच्चों का, क्लास के बच्चों का, तो उसके लिए माँ बाप की परमिशन और बाकी बहुत दिक्कतें होती हैं। शूट होने के बाद में भी वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, तो वो भी करके देखेंगे। बाबाओं को किस ढंग से एक्सपोज किया जाता है इसके वीडियोस तो नहीं, ये होना भी संभव नहीं। लेकिन ये राधे माँ नाम की जो देवी थी उसका जो एजेंट था वो नागपुर में आया था, हमारे बाबूजी उमेश चौबे हैं, मेरे संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष थे, अभी इस दुनिया में अभी नहीं है, बहुत बड़े पत्रकार भी है नागपुर के। तो अनायास मैं नागपुर में किसी काम से गया था तो उन्हें उन्होंने मुझे इनका इंटरव्यू लेने के लिए बाध्य किया था, ये राधे माँ का जो एजेंट है उसका। तो वो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए लेकिन उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। 1-1.5 घंटे में कैसी बातों में उसको पकड़ा जाता है, पकड़ा जाता है। मेरा एक मित्र उसका पीआरओ रहा है, राधे माँ के एजेंट का पीआरओ रहा, और वो पहले यवतमाल में था, मैं तब रसवंती चलाता था और वो चाय का होटल चलाता, यानी होटल चलाता था, तो मैं चाय पीने के लिए उसके तरफ जाता था, वो रस पीने के लिए गन्ने का रस पीने के लिए मेरे तरफ आता था। तो ऐसा एक पुराना दोस्त है, वो भाग के आया, फिल्म इंडस्ट्री में आया, कई लोगों का पीआरओ बना, मंदाकिनी का पीआरओ था, कई बड़े बड़े एक्टर्स का पूरे आगे चलकर पीआरओ रहा, तो वो भी उसके साथ आया था। तो बाद में उसने मुझसे फोन कर कर कहा कि वो इतना डरा हुआ है कि तुम्हें कहता है साफ है, ये आदमी धीरे से बोलता है, खादी के कपड़े पहने जैसा दिखता है सामने, धीरे धीरे बात करता है लेकिन जैसा अजगर होता है लपेटते जाता है और सांस बंद कर देता है सामने के आदमी की, वैसा ही आदमी है, इससे बच के रहना चाहिए। अब उसको मालूम नहीं था कि वो मेरा दोस्त है करके। तो ये एक वीडियो है, जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा उनको देखने के लिए उसकी व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। केवल बातों में कैसे पकड़ा जा सकता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष बाबा नहीं है, वो बाबा का एजेंट है, वही सब चलाता है, राधे माँ का वही सब कुछ है, लेकिन ये दिक्कत है। मुझे लगता है इन सब चीजों को हम अगर रिकॉर्ड कर पाते तो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता, लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं था कि हम वीडियो के कैमरे लेकर जाएं। रिकॉर्डिंग भी हम कई बार छुप कर करते थे, और जाहिर तरीके से जिनकी मुलाकातें ली है, जैसे शकुंतला देवी की मुलाकात ली, तो उसका रिकॉर्डिंग था, तब मेरे पास वीडियो वगैरह ये बाकी सब भी अरेंजमेंट्स के लिए जगह नहीं थी, उतना पैसा भी नहीं था और इतना आज जैसा आसान भी नहीं। आज कैसा, हमारे पास में
मोबाइल निकाला कि फटाक से हम शूट कर सकते हैं, ऐसी स्थिति तब नहीं थी। तो और अभी अभ्यास कर कर किसी बाबा को इस ढंग से एक्सपोज करो और बाद में बताओ, ये भी संभव नहीं होता है। आज तक मेरे संगठन ने कभी मार नहीं खाया बाबा के एक्सपोजर में, जबकि हमने हजारों बाबाओं को एक्सपोज किया है। उसके पीछे का कारण यही कि हम तब पब्लिसिटी के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, चिल्ला कर नहीं जाते कि हम इस बाबा को एक्सपोज करने जा रहे हैं। जो लोग पहले पेपर को कहते हैं कि हम बाबा को एक्सपोज करने जा रहे हैं और जाते हैं, तो वो मार खा कर ही आते हैं। तो ये फर्क होता है। शाम मानो चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।